ये एक सुरंग है, इसको ऐसा बताते हैं कि ये सीधा दिल्ली में जाके खुलती है और अकबर जब भी आता था तो इसी सुरंग के माध्यम से आता था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जाकिर हुसैन और मैं हूं अभी अजमेर राजस्थान में और यहां पे आया हूं। एक झील है जो जिसका नाम आना सागर झील है और चलेंगे उसके अंदर, लेकिन उससे पहले लेते हैं यहां पे टिकट जो कि 25 रुपए का है। अंदर आते ही यहां पे आना सागर बारादरी के बारे में बताया गया है जिसे मैं आपको आगे बताता रहूँगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अजमेर में दौलत बाग गार्डन आना सागर झील के निकट स्थित है। जहांगीर ने इस उद्यान को झील के किनारे बनवाया था। पेड़ों से घिरा और सुंदर प्राकृतिक व्यवस्था के साथ यह अजमेर में स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। यह हरियाली, वनस्पतियों और ताजगी के लिए प्रसिद्ध है, जो शहर की हलचल के बीच कोई भी चाहेगा एक बार यहाँ ज़रूर आना। और अभी आज यहाँ पे हुई है बारिश और यहाँ का मौसम एकदम सुहावना हो गया है। आप वीडियो देखोगे लास्ट तक, बहुत मज़ा आएगा इसमें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आना सागर झील अजमेर की सबसे बड़ी झील है। झील में नौकायान की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ अभी मैं चलूँगा और वहाँ से जो टापू दिख रहा है उस टापू तक अभी नाव से चलेंगे हम लोग। और यहीं पर बना हुआ है, ये सामने में दिख रहा है बारादरी। इन सुंदर संगमरमर की बारादरियों का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने सन 1637 में करवाया था। यहां पर 5 बारादरियां एवं एक शाही स्नान है, जिसमें तीसरी बारादरी सबसे बड़ी है, जो लाल किला दिल्ली के दीवाने खास की कॉपी है और यही है वो बारादरी जो सबसे ज़्यादा बड़ी है। शहर के बीचों बीच स्थित आना सागर झील यहाँ के लोगों के लिए वरदान है और चारों ओर पहाड़ियों से घिरी झील की नैसर्गिक सुंदरता सदियों से आकर्षण का केंद्र रही है। झील का यही स्थान कभी जंग का मैदान रहा है, यहाँ कई लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और भीषण रक्तपात भी हुआ। झील के किनारे पहाड़ी पर चिश्ती ने इबादत के लिए अपना स्थान बनाया, यही वजह है कि ख्वाजा के दरगाह आने वाले जितने भी लोग होते हैं वो आना सागर झील भी आते हैं। ये एक सुरंग है, इसको ऐसा बताते हैं कि ये सीधा दिल्ली में जाके खुलती है और अकबर जब भी आता था तो इसी सुरंग के माध्यम से आता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये यहाँ से लेके वहाँ तक ही एक सुरंग जाती होगी, उस टापू तक। और आज यहाँ भीषण बारिश हुई है, इसकी वजह से ये पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है और ये आगे धीरे धीरे ये किसी खेती बाड़ी के काम में आता चला जाएगा। और अब चलता हूँ, यहाँ से टिकट लेता हूँ और चलूँगा आना सागर झील में बोटिंग करने के लिए। तो चलते हैं सीधा उस तरफ में और यहाँ पे टिकट का जो प्राइस होने वाला है वो 120 रुपए पर हेड होने वाला है। अब आना सागर आए हैं, बोट में ना बैठें तो बेकार है। अभी हमारी नाव में सवारी कम है, शेयरिंग नाव है और अभी इसमें सवारी कम है, इसलिए थोड़ी देर के लिए ब्रेक दिए हैं यहाँ पे। अभी सवारी फुल हो जाती है तो फिर निकलते हैं सीधा सफ़र पे। बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। अभी हमारी नाव झील में उतर गई है और अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के अजमेर ज़िले में कई पर्यटन स्थल हैं, जिनमें से एक है आना सागर झील, जो कि अजमेर शहर के बीचों बीच बना हुआ है। यह सुंदर झील यहाँ का सबसे फेमस स्थान है और मेरा काफ़ी मन था कि एक बार अजमेर चलकर यह आना सागर झील देखी जाए। आज फाइनली वो दिन आ गया और अब इसका अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। एक बार आप भी यहाँ तक घूमने जरूर आओगे। आना सागर झील का निर्माण कार्य जो था वो राजा अरुणराज ने 1135 से 1150 के बीच में करवाया था, और राजा अरुणराज जी पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे। आना सागर झील का निर्माण लगभग 15 सालों में यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से पूरा हुआ था। इसके बाद मुगल शासक जहांगीर ने इसके किनारे एक शाही बाग बनवाया, जिसे दौलतपुरा के नाम से जाना जाता है, और इसे आज वर्तमान में बदलकर सुभाष उद्यान कर दिया गया है। दौलत बाग भी अजमेर के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यह एक सुव्यवस्थित उद्यान है जो पर्यटकों को आते ही मनमोह लेता है। और अभी हम लोग नाव में ही सफ़र कर रहे हैं। मैंने तो ये सोचा था कि ये पहले नाव वाला टापू पे ले जाएगा, पर ऐसा नहीं है। उसने टापू के चारों तरफ घुमा के हम लोगों को फिर वापस छोड़ने के लिए लेकर जा रहा है। लगभग 300 वर्ष बाद सम्राट शाहजहां ने 1627 में लगभग 12 से 40 फीट लंबा कटहरा लगवाकर और बेहतरीन संगमरमर के 5-12 दरियां बनवाकर इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा दिया। साथ ही यहां पर मनोरंजन के लिए व बच्चों के लिए झूले भी लगवाए गए हैं। अब बात करते हैं असमत बेगम की, जो कि नूरजहाँ की माँ थी। असमत बेगम ने आना सागर झील के किनारे गुलाब के रस से इत्र बनाया था। माना जाता है कि भारत में सबसे पहले इत्र असमत बेगम ने ही बनवाया था। आपको बता दें कि आना सागर झील का निर्माण अरुणराज ने करवाया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक प्राकृतिक झील ना होकर एक कृत्रिम झील है, और झील का निर्माण अरुणराज जी द्वारा निर्मित कराए जाने के कारण इस झील का नाम आना सागर झील रखा गया, जिसको वर्तमान में आना सागर के नाम से जाना जाता है। आना सागर झील अजमेर की सबसे बड़ी झील है, जिसका अधिकतम जल घनत्व क्षेत्र 4.4 मीटर की अधिकतम गहराई है, और वहीं 4.75 मिलियन घनाकार पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में समय के साथ साथ इसकी गहराई में कुछ कमी आई है, जिसको समय समय पर सफाई करके वापस बराबर करने का कार्य किया जाता है। आना सागर झील के बीच में जो ये टापू है, जहाँ पर बोट से अभी हम लोग वापस गए थे, ये आना सागर झील चारों ओर से दौलत बाग सुभाष उद्यान से घिरी हुई है, जिसको दौलत बाग को सुभाष उद्यान बोलते हैं, जिसके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इस दौलत बाग का निर्माण जहांगीर द्वारा करवाया गया था। अब बात करते हैं कि यहां तक पहुंचा कैसे जाए। तो आना सागर झील पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको अजमेर रेलवे स्टेशन पहुँचना पड़ेगा। अजमेर आने के लिए आपको हर शहर से डायरेक्ट अजमेर के लिए ट्रेन, बस या टैक्सी करके भी आप अजमेर तक पहुंच सकते हैं। अजमेर रेलवे स्टेशन से आना सागर की दूरी 2 किलोमीटर के लगभग है, और यहाँ पे आप बस से, टैक्सी से या फिर ऑटो करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो आना सागर का तो टूर हम लोग कर लिया हूँ, हम लोग ही बार बार आता है, मैं अकेला हूँ अभी, और बोट में भी घूम लिए हैं, बराबर सब कुछ घूम आपको दिखा भी दिया हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अभी पुष्कर जाने वाला हूँ मैं इसके बाद, और पुष्कर का भी वीडियो कल बनाऊंगा, तो फिर दिखाता हूँ आपको पुष्कर की सीन। तो मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।